अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलावल ख़ान, आप देख रहे हैं बीके आटोस। आज हम लोग बात करेंगे DRL लाइट्स, जिसमें मेरे पास राउंड और स्क्वायर में स्कल वाली लाइट्स अवेलेबल हैं, जो 70-125 YBR वगैरह को इजीली फिट हो जाती हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वीडियोस के जाने से पहले, जो मेरे चैनल पर न्यू है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपके लिए आज स्क्वायर लाइट्स लेके आया हूँ, इसमें और राउंड में मेरे पास है लाइट्स, आप चेक कर सकते हैं। इसमें मेरे पास है चौरस बीम में, हम लोग बात करेंगे पहले स्कल लाइट की, जो कि है एक चौरस बीम में 70-125 को डायरेक्ट फिटेड है। इसी तरह दूसरा एक बॉस में स्कल वाला एक मॉडल आया है, इसमें भी आप देखें सेम चीज़, सेम क्वालिटी प्लास्टिक में। और इसके बाद दूसरी थर्ड वन जो कि है वो भी स्कल लाइट में, इसमें स्कल का आप साइज़ चेक कर सकते हैं, बाकी इसकी वही चीज़ ही है। राउंड में बात की जाए तो राउंड में भी सेम एज इट इज़ यही चीज़ ही है। आप इसको देखें, स्कल लगा हुआ है सेंटर में और इसकी DRLs हैं जो कि इंडिकेटर के तौर पे भी यूज़ होती है। और बात करेंगे हम लोग मीटर के बारे में, डिजिटल मीटर जो कि है हमारे पास LED फुल डिस्प्ले में, इसके कलर्स भी चेंज होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले है, ये भी मैं आपको चला के चेक करवाऊँगा। इसके बाद बात हम लोग करेंगे DRL इंडिकेटर्स, जिनके DRLs हैं, साइडों पर DRLs दिए हुए हैं, सेंटर में इसका इंडिकेटर्स है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में है, अच्छे प्लास्टिक और हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ है दोस्तों। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर में स्कल लाइट का, इसके आप देख चेक कर सकते हैं कि ये इसके इंडिकेटर्स दिए हुए इन्होंने, और इसका ये हाई और लो पॉइंट है, और साथ इसमें स्कल का दिया हुआ फेस, और इसका भी कलर चेंज होता हो। चलिए इसको मैं चला के चेक करवाता हूँ। पहले इसकी हम थोड़ी क्वालिटी के बारे में बात कर लें, इसके सारा प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ इन्होंने, अच्छी क्वालिटी है प्लास्टिक में, लेकिन अच्छा मटेरियल दिया हुआ है, साथ आगे भी प्लास्टिक का इनका दिया हुआ हेड दिया हुआ है, मेटल में नहीं आता ये प्लास्टिक में ही आती है। इसकी अब आपको चला के मैं चेक करवाता हूँ, इसकी अब क्वालिटी चेक करिएगा, अच्छी लाइट है, ज़बरदस्त क्वालिटी में है लाइट, इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसके इंडिकेटर्स है, आप इंडिकेटर्स चेक कर सकते, जब भी आप इसके साथ कनेक्शन करेंगे तो ये ब्लिंक करेंगे, अदरवाइज वैसे चलेंगे। ये इसका फ्लैश इसके अंदर इन्होंने ऐड किया हुआ है, ये इसका राइट साइड वाला इंडिकेटर है, और ये इसकी पार्किंग में जो कि आपका स्कल का चलेगा। ये ज़बरदस्त लाइट आप देख सकते हैं, इसका व्यू आप पार्किंग में इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको आप चला सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी स्कल लाइट की, जो कि मेरे पास बोस की एडिशन है, बड़ी हुई है, इसमें बोस साथ लिखा हुआ है, हाँ इसको भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। पहले इसकी भी हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी भी सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, प्लास्टिक बॉडी दी हुई है इन्होंने, सेम कंपनी की लाइट है, प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें, इसका फ्रंट वाला जो सा मिरर है वो भी प्लास्टिक में इन्होंने यूज़ किया हुआ। लाइट की कंडीशन और लुक वाइज अच्छी लग रही है मुझे, बट इसको चला के चेक करते हैं। जी दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे बोस कल DRL में, इसमें आप देखें इसकी ये इन्होंने फ्लैशर दिया हुआ है हेडलाइट के, जो सा आएगा आपका इसका स्कल में चलेगा मल्टी कलर्स का। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका मल्टी फंक्शन है जो कि बोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ इसमें से पार्किंग है वो इन्होंने साथ ब्लू कलर में दी हुई है, और साथ आप देखें इसके ये इंडिकेटर्स और इसका जो सा है पार्किंग का वो एक डिफरेंट हो चुका है। ये भी बीम में है जो कि 70-125 को डायरेक्ट आप फिट कर सकते हो, इसके लिए कोई अल्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। जी दोस्तों, तो अब हम लोग थर्ड वन जो कि हमारे पास स्कल लाइट में है, उसके हम इसको आपको चला के चेक करवाता हूँ। इसकी मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल इसका भी प्लास्टिक बॉडी में दिया हुआ है इन्होंने, फ्रंट भी इसका प्लास्टिक ग्लास है, ग्लास में सोके प्लास्टिक शीट ही हम लोग कहेंगे, शीट यूज़ की गई है, आए इसको भी चला के चेक करवाता हूँ। ये इसका हाई पॉइंट है, अब इसका हाई पॉइंट चेक कर सकते हैं, ये इसका लो पॉइंट है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स नहीं चलेंगे इसमें, ये इसकी आ जाएगा इंडिकेटर्स में, ये इसकी आ जाएगी पार्किंग में, ये इसका आ जाएगा स्कल का फ्लैशर जो कि स्कल में इनका कलर्स चेंज होगा डिफरेंट आप जब ऑन ऑफ करेंगे, और ये इसका सेकंड इंडिकेटर। अच्छी क्वालिटी की लाइट है, बहुत फेमस लाइट है, ये बहुत चल भी रही है लाइट, ये 70-125 में डायरेक्ट फिटिंग में यूज़ हो जाती है। अब लोग हम लोग बात करेंगे जो कि है राउंड में, जो कि मेटल बॉडी में बहुत ज़बरदस्त बॉडी में मेरे पास अवेलेबल है, इसकी हम लोग बात करें तो ये भी स्कल लाइट ही है, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। अब इसकी चेक करें, इन्होंने इसकी DRLs दिए हुए हैं इन्होंने, इसकी हाई और लो में है, इसके दो लेंस दिए हुए हैं, सब इमेज स्कल की इन्होंने बॉडी दी हुई है। बॉडी की आप चेक करें तो बॉडी इसकी सारी इन्होंने मेटल में और मैट में दी हुई है, जो कि डायरेक्ट फिटेड है, इसको लिए कोई अल्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलाएँ इसको भी मैं चला के आपको चेक करवाता हूँ। तो अब हम इसको भी चला के चेक करवाते हैं आपको, आएँ इसका भी आप व्यू चेक करें। ये इसका हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट में आप देखें इसके सारे DRLs चल रहे हैं, जो कि साइडों पे ऊपर और नीचे जो से जो साड़ी हैं वो सब इसमें चल रही हैं। अब इसी के लो पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो लो पॉइंट में इसके देखिए कितने की लाइटें चल रही हैं LED की, आप इसके फ्रंट को भी चेक कर सकते हैं, ऊपर वाली इन्होंने बंद कर दी है, साइडों वाली इसकी चल रही हैं। इसके बाद जो सी बात करेंगे हम इसकी पार्किंग DRL गोल की राउंड में, जो से वाइट में कलर में अवेलेबल है, और इसमें एक आता है
येलो कलर, ये दोनों इसके बहुत ज़बरदस्त कलर हैं। येलो जो सा है वो राइट टाइम बहुत ज़बरदस्त लगता है राउंड में आपकी, जब पार्किंग ऑन करेंगे आप तो बड़े अच्छे तरीके से इसकी ये चलेगी। इसकी स्कल की बात कीजिए तो इसका स्कल फुल जो सा वो कलरफुल स्कल है, इसके आप कलर चेंज करते हैं, इसमें फ्लैशर भी आ जाता है, इसमें रेड ब्लू पर्पल ऑलमोस्ट सारे इसमें कलर अवेलेबल हैं। अब आप देख सकते हैं इसके कलर चेंज हो रहे हैं और इसका मल्टी कलर भी आ जाएगा, ये इसका मल्टी कलर इसका यूज़ हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त लाइट है बॉस में, सॉरी स्कल में, उसकी आप देख भी सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। ये था हमारा जो सारा रिव्यू, ये हम लोगों ने किया आपको लाइट्स के टॉपिक पे जिसमें हम लोग स्पेयर और राउंड में बारे में बात करे थे। अब हम आपके लिए बात करूँगा, मैं वो मेरे पास डिटेल मीटर है जो कि राउंड में मेरे पास अवेलेबल है, उसकी बात मैं करता हूँ, आए आपको वो भी चेक में करवाता हूँ। करेंगे राउंड डिटेल मीटर जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में हमारे पास अवेलेबल है। इसमें प्लास्टिक की बैक साइड है, आप देख सकते हैं मेटल के उन्होंने हुक्स लगाए हुए हैं जो कि इसकी फिटिंग के तौर पर यूज़ होंगे, और फ्रंट इसका उन्होंने क्रोम राउंड शेप में दे दिया हुआ है जो कि एक मीटर को एक अलहदा लुक दे रहा है जो कि बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ मुझे लगी है। इसके व्यू की बात कीजिए तो फुल डिस्प्ले है इसका, अच्छी क्वालिटी में, इसके कलर भी चेंज होते हैं जैसे आप अपना कलर यूज़ करना चाहते हैं पकड़ सकते हैं इसमें। चलाएँ इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ, चला के इसके आप कलर को भी चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, मुझे खुद बड़ी चीज़ लगी ये चीज़ ये। अब ये इसका डिस्प्ले है, आप इसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, इसमें उन्होंने रेड डिस्प्ले दिया हुआ है और इसके साथ इसकी नंबरिंग वगैरह है, और इसमें इन्होंने फ्यूल का दिया हुआ है, अब ये चेक कर सकते हैं, ये फ्यूल का दिया हुआ है इन्होंने, और इसके ऊपर इनके किलोमीटर्स हैं, आरपीएम है, और साथ ही स्पीडोमीटर है। तो अब इसके कलर चेंज करने की बात कीजिए तो उन्होंने साथ ये बटन दिया हुआ है, ये रेड साफ देख सकते हैं पुश बटन है, इसको दबा के रखेंगे तो हमारा ये कलर चेंज होते जाएंगे। ये अब इसके कलर चेक कर सकते हैं, इसमें 7 से 8 कलर हैं, आपने जो कलर रखना उसको किया और बटन को छोड़ दिया तो आपका वो कलर यूज़ हो जाएगा। ये आप 70-125 YBR वगैरह में जिधर मर्जी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी आपको पहले बता दी, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर वायर्ड का कनेक्शन उन्होंने दिया हुआ है, ना कि सेंसर वाला है, जैसा कि मोस्टली आजकल सारे आ रहे हैं मीटर्स बहुत सारे सेंसर वाले आ रहे हैं, उसमें मतलब कि आपकी तार वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता, तो इसमें तार का भी इन्होंने दिया हुआ है ताकि आप तार के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट आइटम है जिसके बारे में मैंने आपको बताना था कि मैं इंडिकेटर लेके आया हूँ ड्रोन में DRL में, जो कि बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के इंडिकेटर्स हैं, आप इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, थोड़ा साइज़ भी उन्होंने बिग दिया हुआ है कि ताकि लगे हुए प्रोमिनेंट हों के कुछ चीज़ लगी हुई है। इसके आप हुक्स को चेक कर सकते हैं, लाइक रॉकेट नट की तरह दिया हुआ है कि ताकि जो इसकी फिनिशिंग और उसकी खूबसूरती में काफ़ी अट्रैक्टिव कर रहा है। ये इसके अंदर भी राउंड इंडिकेटर में दिया हुआ है, पार्किंग में दिया हुआ है इन्होंने जो कि राउंड में जो रेड कलर की होगी वो भी चला के चेक करवाता हूँ मैं आपको, अंदर इनके येलो LEDs दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं इसमें LEDs लगी हुई हैं, ना कि इसमें बल्ब लगा हुआ है। नॉर्मली जो से आते हैं उनके अंदर बल्ब लगा होता है, लेकिन इसके अंदर LED यूज़ की गई है। चलाएँ इसको भी चला के चेक करवाता हूँ मैं आपको, इसका क्या डिस्प्ले है, बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले है, इसको बहुत से लोग YBR वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं और कैफे रेसर के तौर पर भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि जो इसको आप इजीली यूज़ कर सकें। ये आप चेक करें, इसके इंडिकेटर हैं येलो कलर के जो कि इसके जब इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो एज अ ब्लिंक के तौर पे ये यूज़ होगा ये, क्योंकि वो ऑलरेडी फंक्शन होता है। और ये इसका पार्किंग है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी हेडलाइट के ऊपर, अपनी ब्रेक के ऊपर, या इसका कोई अलग बटन लगवाना हो तो बटन लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ है, इकट्ठे चलाएँ तो इसकी ये लुक आती है, इंडिकेटर भी चलते हैं साथ, इंडिकेटर भी इसके शो होता है, तो बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की है चीज़, ये वाटरप्रूफ होते हैं, ये थोड़ी केयर करनी पड़ती है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन फिर भी ये अच्छा टाइम और लाइफ टाइम इनका अच्छा होता है। जी दोस्तों, तो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैंने आप लोगों को स्क्वायर DRL लाइट्स, राउंड DRL लाइट और गोल मीटर और हमारा राउंड जोन से है हमारे इंडिकेटर्स, उसके बारे में मैंने डिस्कशन और आपको इनको चला के चेक करवा दिया। इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को शेयर करें, लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने शेयर करें, और साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मुझे ज़रूर दीजिएगा। बाकी नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, नंबर पे आप इसको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा ऑनलाइन ऑर्डर भी है, ऑनलाइन डिलीवरी भी है, ओवरऑल पाकिस्तान में हम लोग ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे साथ चैनल पर मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए मैं बहुत सी नई चीज़ें लेते आता रहूँगा, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप मुझे इस पर रिव्यू दें तो भी मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। सो अल्लाह हाफिज़।